गलवान संघर्ष की बरसी पर सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। हथियारों से लैस मिलिट्री ट्रेन का सफल ट्रायल न्यू रेवाड़ी से न्यू फुलेरा तक किया गया है। डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर बनाया गया है। भारतीय सेना की ताकत में इसको बड़े इजाफे के तौर पर देखा जा रहा है। सेना को कम वक्त में संगठित करने में मदद करेगा ये कॉरिडोर। हथियारों से लैस मिलिट्री ट्रेन और डेडिकेटेड कॉरिडोर, ये बहुत बड़ी कामयाबी, खास तौर से सैन्य ताकत में इजाफा, और सैन्य ताकत में भी इस लिहाज से इजाफा कि बहुत कम समय में बड़ी तादाद में न सिर्फ हथियार जुटाए जा सकेंगे उन जगहों पर जहां पर इसकी ज़रूरत है, बल्कि सैनिक भी उन जगहों पर निर्बाध तरीके से जल्दी पहुँच सकेंगे। और ये इस लिहाज से बेहद अहम है क्योंकि हमको अपनी सीमा पर दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान, और इसको देखते हुए भारत की सैन्य क्षमता में उसको कटिंग एज बनाने में ये एक बड़ा कदम उठाया गया है। लेकिन इसके मायने और क्या क्या हैं, किस सोच के साथ इसको बनाया गया है, क्या ये सिंगल इस तरह का कॉरिडोर होगा या कई और कॉरिडोर्स डेवलप किए जाएंगे, ये समझने के लिए चलते हैं अपने संवाददाता सुमित चौधरी के पास। सुमित, देखिए दिनेश, पिछले साल के कंपैरेटिवली अगर बात करें कि आपको अपनी रसद, अपने साजो सामान पहुंचाने के लिए एक बहुत तेज़ी से मोबिलाइजेशन करना, तो उसी की कड़ी में एक बड़ा कदम था ये कि कैसे इस कॉरिडोर को निर्माण करना, कि ऐसे कॉरिडोर जो आपको आपके हिंटरलैंड से जोड़ दिए जाए, यानी आपके जो अगर आपके जम्मू के इलाकों के आसपास या फिर आप कह सकते हैं कि राजस्थान में कहीं पर भी कोई मोर्चा खोलता है तो फिर उन साजो सामान को कैसे देश के दूसरे इलाकों से पहुँचाया जाए, ये कॉरिडोर उसी के लिए था। 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस ट्रेन को चलाया गया दिनेश, और इसमें ना सिर्फ आपके आर्म्स एम्यूनेशन बल्कि बड़े टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, इनको भी रख के इसका ट्रायल किया गया। और इसका मकसद यही है कि आने वाले वक्त में एक कॉरिडोर बने जिससे सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के साथ जो सामान को जल्दी से एक इलाकों से दूसरे इलाकों तक पहुंचाया जा सके। ये इसलिए भी जरूरी है दिनेश क्योंकि आप हर इलाके के स्पेसिफिक चीजों के हिसाब से आप सामान नहीं खरीद सकते, आप जरूरत से ज्यादा अपना खर्चा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि सामान खरीदना ही खर्चा नहीं होता, उसकी मेंटेनेंस भी एक बड़ा खर्चा होता है। तो यही वजह है कि आपकी मोबिलाइजेशन चेन इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में, आपने जिसके बारे में जानकारी हम तक पहुंचाई है वो ट्रेन हम दिखा दें, 65 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से दौड़ती हुई ट्रेन, इसको दौड़ाया और भी ज्यादा रफ्तार से जा सकता है, लेकिन टेस्टिंग स्पीड इसकी जो रखी गई है 65 किलोमीटर पर आर, TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। सुमित, कंटिन्यू रखिए। देखिए ये पहला ऐसा ट्रायल है, अगर आप देखें दिनेश तो आपको नजर आएगा कि करीबन 35 के करीब इसमें बोगियां होंगी जिसमें इन साजो सामान को रखा जाएगा। और आप देखें कि इसमें ना सिर्फ आपकी ये कई ऐसी मालगाड़ी के पीछे अगर आप देखें टैंक्स, आर्टिलरी गन्स या फिर आपको उनको भी इसमें ले जाया जा रहा है, बड़े बड़े ट्रक्स को। तो ये इसलिए क्योंकि आपको अगर मोबिलाइजेशन करनी हो तो आप कई ट्रेन एक के बाद एक भेज कर आप अपने साजो सामान को, आपकी चेन को मजबूत कर सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सड़कों से ये सामान नहीं जा सकता, क्योंकि सड़कों का इस्तेमाल सिविलियंस भी करते हैं, आप एयर से भी इतने साजो सामान को नहीं पहुंचा सकते, खासतौर पे हैवी व्हीकल्स को या फिर ट्रक्स को, आर्टिलरी गन्स को या फिर टैंक्स को आप इनको नहीं पहुंचा सकते। तो आपको एक ऐसा सब्स्टिट्यूट चाहिए था जो आपके साजो सामान को जल्दी पहुंचा सके और एक बिना किसी बाधित चीज़ों के हो। तो ये ट्रेन एक ऐसा बड़ा माध्यम है क्योंकि भारत में ट्रेन का नेटवर्क या रेलवे का नेटवर्क बहुत बड़ा है। तो ये वेल कनेक्टेड होगा, न्यू रेवाड़ी से फुलेरा इसका ट्रायल किया गया है, ये एक्चुअली कहां से कहां तक दौड़ाई जा सकेगी ये डेडिकेटेड कॉरिडोर में ये ट्रेन? देखिए ये अभी कहा जा रहा है कि रेलवे इसको डिसाइड करके देगा क्योंकि रेलवे इसमें अहम भूमिका निभाएगा, लेकिन इंडियन आर्मी को जो चाहिए अपने हिंटरलैंड को जोड़ना, हिंटरलैंड मतलब आप दिनेश कह सकते हैं कि आप आगरा से आपको किसी साजो सामान को, टैंक को अगर पहुंचाना हो आपको राजस्थान में, तो आपके पास ऐसा चेन होना चाहिए कि आपके साजो सामान जल्दी पहुंच जाए। और इसी के अलावा दूसरे जगहों को भी एक जगह से दूसरी जगह से जोड़ना, ये है इसका मुख्य कारण कि अब इसका ट्रायल जरूर किया गया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा इस पर बहुत तेज़ी से काम होगा दिनेश। एक बार फिर से हम अपने संवाददाता की लाई हुई ये खबर आपको बता रहे हैं, कॉरिडोर ये डेडिकेटेड कॉरिडोर होगा जिसमें सैन्य सारे साजो सामान को बहुत जल्द उस जगह पर पहुंचाए जाने में मदद मिलेगी जहां इसकी आवश्यकता है। सैन्य साजो सामान को ले जाती हुई बड़े बड़े टैंक्स को कैरी करती हुई ये ट्रेन आपको दिखाई दे रही है, इसको फिलहाल 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया गया है। इससे जुड़ी हुई कुछ और जानकारियाँ देख लेते हैं, उसके बाद सुमित के पास फिर से चलेंगे, और ये बहुत अहम उपलब्धि है ये देखते हुए ये बड़ी उपलब्धि है
कि चीन और पाकिस्तान की तरफ से आने वाली चुनौती के मद्देनज़र हमको बहुत जल्द अपनी सैन्य क्षमता को ऑगमेंट करना है, बढ़ाना है, इसको एक लेवल ऊपर ले जाना है। और आप देख रहे हैं इस दिशा में न सिर्फ नेवी, न सिर्फ एयरफोर्स, बल्कि आर्मी हर मुमकिन कदम जल्द से जल्द उठाने में लगे हुए हैं। न्यू रेवाड़ी से फुलेरा तक एस्कॉर्ट इसका ट्रायल किया गया है, ट्रेन को दौड़ाकर उसका परीक्षण किया गया है, और अब ये तय होगा कि वो एग्जैक्ट रूट्स कौन से होंगे जहां पर इस तरीके का डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाकर सैन्य साजो सामान को क्विकली मूव किए जाने की दिशा में काम किया जाएगा। सुमित के पास एक बार फिर से चलते हैं। सुमित, इस बारे में रूपरेखा कब तक तय हो जाने वाली है? देखिए, इसकी रूपरेखा बहुत जल्दी तय होगी, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट था ट्रायल, यानी कैसे इस सामान को अगर पहुंचाना आपको एक इलाके से दूसरे इलाके, तो उसमें लॉजिस्टिकली डिप्लॉयमेंट, क्योंकि आप हर चीज़ को अब फाइनेंशियल चीज़ों से देखते हैं कि अगर उनको ट्रेन पे चढ़ाने का या फिर उनको मालगाड़ी में रखने का कितना खर्चा आता है, और उनको वहां से ले जाने में कितना टाइम लगता है, कितना एक्सपेंसिस होते हैं, ये सबको कैलकुलेट करने के बाद ये देखा जाता है कि फिजिबल कौन सी लाइन्स होंगी, क्योंकि जो फेज़ आपको शुरू करना है उस पर आपका खर्चा कितना आएगा, इन सारी चीज़ों को अब से गौर किया जाएगा। और दिनेश, ये भी देख लीजिए आप कि मोटे तौर पर मैं लगातार बता रहा हूं कि आपके पास डिप्लॉयमेंट के लिए, आपकी मोबिलाइजेशन के लिए दो या तीन ऑप्शन ही होते हैं, या तो सड़कों से आप भिजवा सकते हैं, लेकिन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर खासतौर पर दूरगामी इलाकों में इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, तो ट्रेन की मदद से आप उनको कैसे पहुंचा सकते हैं, या फिर आप उनको एयरलिफ्ट करते हैं, लेकिन हैवी व्हीकल्स को, टैंक्स को, आर्टिलरी को, इनको हैवी लिफ्ट करना या फिर एयरलिफ्ट करना, क्योंकि अगली खबर का रुख करना है। लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट खबर बताई है, और निश्चित रूप से ये हमको आश्वस्त करने वाली, पूरे देशवासियों को रीअश्योर करने वाली खबर है जो आपने हम तक पहुंचाई।